गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में अब 29 हाई और 25 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में अब 29 हाई स्कूल और 25 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम विद्यार्थी संख्या वाले इन स्कूलों का ब्यौरा सरकार को भेज दिया है। अब इन हाई स्कूलों का दर्जा घटाकर मिडिल होगा और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का दर्जा हाई किया जाएगा। हाई स्कूलों में 15 और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 25 विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा कम किया जाएगा। शिक्षा विभाग से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। जिन हाई स्कूलों में 15 से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें मिडिल स्कूलों में लाया जाएगा। 9वीं और 10वीं कक्षा को मिडिल में शामिल किया जाएगा। जिन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 25 से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें हाई स्कूल में लाया जाएगा। यहाँ जमा 1 और जमा 2 कक्षा को हाई स्कूल में लाया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री के निर्देशों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा एकत्र कर सरकार को भेज दिया है। डीएलएड की सीटें भरने के लिए शिक्षा बोर्ड खत्म करेगा आरक्षण रोस्टर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब डीएलएड की सब कैटेगरी की रिक्त सीटों को सामान्य वर्ग में मर्ज करेगा। इसके लिए पहले से जारी आरक्षण रोस्टर को खत्म किया जाएगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग में यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। शिक्षा बोर्ड जल्द ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के राजकीय और निजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएलएड की 2400 सीटों को भरने के लिए 16 से 31 अगस्त तक पहले चरण की काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। अवैध कब्जा करने पर खनौड़ा पंचायत के उप प्रधान अयोग्य घोषित। विकासखंड भटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनौड़ा के उप प्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम भटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत खनौड़ा के उप प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासी की ओर से की गई थी। मामला एसडीएम कोर्ट भटियात के समक्ष विचाराधीन चल रहा था। इस संदर्भ में एसडीएम भटियात पार्थ अग्रवाल ने बताया कि मलकीत सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत खनौड़ा के खिलाफ गुलशन कुमार ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य व तथ्य पाए जाने पर उप प्रधान मलकीत सिंह को संबंधित कानून के अंतर्गत पद से अयोग्य घोषित किया गया है। पुलिस नशा तस्करों की तोड़ रही कमर, तस्करी में अर्जित 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ वित्तीय जांच करने के बाद करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 2 मामलों में पकड़े गए 5 आरोपियों की उक्त संपत्ति जब्त हुई है, जबकि अन्य मामलों में अभी पुलिस की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में यह आंकड़ा और ज्यादा पहुंच सकता है। जानकारी के अनुसार जुलाई 2023 से पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था। इसमें मादक पदार्थ अधिनियम के 105 मामले दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि 251 बड़े नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इन मामलों में बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर नशे के सामान की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों से 106 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 8 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। हिमाचल में पेयजल दरें बढ़ी, अधिसूचना जारी, जानिए किसे कितना देना होगा शुल्क। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में अब फ्री का पानी बंद कर दिया गया है और अब कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब जल शक्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब निःशुल्क पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब बिजली की तरह हर महीने पानी का भी बिल भरना पड़ेगा। जल शक्ति विभाग पानी के मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपए पानी के लिए देना होगा। शहरी क्षेत्रों के लोग पहले से पानी का बिल दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग लोगों को निःशुल्क पानी दे रहा था, जबकि वो खुद 800 करोड़ रुपए का बिल वो बिजली बोर्ड को चुकता करता है। जल शक्ति विभाग को योजनाओं को चलाने में दिक्कत आ रही थी। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, सड़कों पर उतरे लोग सरकार की नाकामी का परिणाम।
हिमाचल में सुखू सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। स्थिति यह है कि आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। बीते दिन सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। बीते रोज सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। हिमाचली सेब का रस लेगी टाटा कंपनी, जानिए कैसे। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत के बाद अब टाटा ने भी हिमाचल से एप्पल कंसंट्रेट लेने की इच्छा जताई है। टाटा कंपनी के अधिकारी HPMC के पराला प्रोसेसिंग प्लांट को देखने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर विजिट करने के बाद अधिकारियों से बातचीत की। माना जा रहा है कि उनके साथ जल्द ही करार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से सेब का कंसंट्रेट लिया जाए। इनसे पहले पार्ले कंपनी और डोहलर कंपनी के साथ भी बात हो चुकी है, मगर अभी तक एग्रीमेंट की तरफ बात नहीं बढ़ पाई है। बताया जाता है कि अगले सप्ताह इस संबंध में दोनों कंपनियों के साथ बात होगी। वैसे इस बार HPMC के पास पिछले साल के मुकाबले सेब कम आया है। लगेगा ग्रीन टैक्स, प्रदेश में महंगा होगा वाहन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए वो पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। वाहन के अनुसार 500 से 4000 रुपये तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। पंजीकरण फीस के साथ ही यह शुल्क भी देना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुल लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार 3% टैक्स लिया जाता है। HRTC के चालक परिचालकों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसे लेकर जल्द ही नियम बनाए जाएंगे, ताकि दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उनको भी साप्ताहिक अवकाश मिले। इसकी शुरुआत केलांग, रिकांगपियो व शिमला के लोकल यूनिट से होगी। इसे लेकर कर्मचारियों व प्रबंधन के बीच में सहमति बन गई है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इससे परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले कल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक की निगम प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता MD रोहन चंद ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक अवकाश को लेकर मामला निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। सरकार व सचिवालय कर्मचारियों के बीच टकराव टला, 15 दिन में मुख्य सचिव से होगी बातचीत। डीओ एवं एरियर की मांग को लेकर राज्य सरकार एवं सचिवालय कर्मचारियों के बीच टकराव टलने के बाद वार्ता का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी के तहत पिछले कल मुख्यमंत्री के सचिव राकेश गवर के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा के नेतृत्व में सचिवालय के सभी संगठन के नेताओं की बातचीत हुई। इसके बाद 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत होगी। सरकारी स्तर पर हुई बातचीत के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजीव शर्मा ने कहा कि वार्ता अनुकूल माहौल में आगे बढ़ी है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।